Hello everyone, today I explain a wisp of a straw. It is first lesson of our English literature book. Let's start. Rajesh was sitting on his bed and looking out of his bedroom window. He saw a white and orange bird fly past the window. The bird was carrying a leaf in its beak. Rajesh ran to the window for getting a better view. He was unable to see the bird. The bird had flown out of sight. Rajesh अपने कमरे में से खिड़की में से एक बर्ड को जाते देखता है. उसकी चोंच में एक लीफ होती है. He came to near his mother and said, "Ma, I just saw a bird with a leaf in its mouth flying past my bedroom window. Surely the bird is building a nest." वह अपनी मम्मी से कहता है, मैंने एक बर्ड को देखा. उसकी चोंच में एक पत्ती थी. वह जरूर से घोंसला बना रही है. उसकी मम्मी कहती है, अब तुम दिन भर बर्ड को मत देखना और अपना काम करो जाकर. बट राजेश वॉज थिंकिंग अबाउट द बर्ड. राजेश बर्ड के बारे में ही सोच रहा था. ही सेट डाउन एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. द बर्ड वॉज देयर अगेन. ही वॉज इट्स कैरिंग अ विस्प ऑफ स्ट्रॉ दिस टाइम. After lunch, he went to his room to sleep, but Rajesh could not sleep. वह रूम में वापस जाता है और बर्ड को वापस देखता है. वह बाहर जाकर भी देखता है तो बर्ड बार बार अंदर बाहर जाती है. It was confirmed the bird was building a nest in his sister's room. बर्ड उसके सिस्टर के रूम में एक घोंसला बना रही है. यह बात कन्फर्म हो गई है क्योंकि बर्ड्स बार बार उसकी दीदी के रूम में जा रही है. बट राजेश न्यू दैट हिज मदर केप्ट हिज सिस्टर्स रूम क्लीन एंड टाइडी. बट वो जानता है कि उसकी मम्मी उसकी दीदी के रूम को साफ रखती है. आफ्टर अ वाइल इट वॉज बैक विथ हिज अनादर विस्प ऑफ स्ट्रॉ इन इट्स बीक. शू सेड राजेश, शू. द बर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग. वह बर्ड को भगाना चाहता है बट बर्ड जाती नहीं है. देन ही इंटर्ड हिज सिस्टर्स रूम एंड फाउंड द नेस्ट एट द बुक शेल्फ ऑफ हर सिस्टर्स रूम. वह घोंसला ढूंढता है और अपनी बहन के रूम में जाकर बुक शेल्फ पर उसे घोंसला मिल जाता है. और वह डिसाइड करता है कि वह इस घोंसले को कहीं और शिफ्ट कर देगा ताकि बर्ड्स को परेशानी ना हो. ही रीच्ड आउट एंड केयरफुली पिक्ड अप द नेक्स्ट. ही रन आउट द रूम और वह घोंसले को आराम से उठाकर रूम से बाहर निकलता है. ही फाउंड अ लाइकली स्पॉट बिलो द विंडो. वह विंडो के वहाँ पर एक साफ जगह देखकर घोंसले को वहाँ पर शिफ्ट कर देता है. ही हैप्पीली प्लेस्ड द नेस्ट देयर. वह घोंसला रख के वहाँ पर खुश होता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसकी मम्मी दीदी के रूम में जाती तो वहाँ से घोंसला हटाकर कहीं बाहर फेंक देती. अब वह यह चिंता कर रहा था कि मैंने जो नई जगह पर जहाँ घोंसला रखा है वहाँ बर्ड आएगी कि नहीं, वहाँ वह अंडे देगी कि नहीं. द नेक्स्ट डे ही सॉ हिज मदर गो इन टू हिज सिस्टर्स रूम. वह देखता है उसकी मम्मी उसके सिस्टर के रूम में जा रही है. राजेश वॉज वेरी हैप्पी. राजेश बहुत खुश है कि उसने बर्ड के घोंसले को सेव कर लिया. ही फॉलोड हिज मदर इन टू द रूम. वह रूम में जाता है. ही लुकड आउट ऑफ द विंडो. वह विंडो के बाहर देखता है बट द नेस्ट वॉज एम्प्टी. घोंसला खाली है. वह सोचता है यहाँ बर्ड नहीं है. वह बर्ड को देखता है. द बर्ड सिटिंग क्वाइटली ऑन द वॉल. बर्ड्स चुपचाप वॉल पर बैठी है. राजेश के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि बर्ड नेस्ट में क्यों नहीं है, है ना. राजेश लुक्ड अराउंड द रूम. देयर वॉज अ ब्लू एग ऑन द बुक शेल्फ एग्जैक्टली एट द प्लेस वेयर द नेस्ट हैड बीन. वह रूम में अच्छे से देखता है तो उसे बुक शेल्फ पे एक ब्लू एग दिखाई देता है. इट वॉज क्रैक्ड. वह क्रैक है. ऑन द फ्लोर बिलो देयर वॉज टू स्मैश्ड एग. और ज़मीन पे दो फूटे हुए अंडे पड़े हैं. हु लेज एन एग आउटसाइड द नेस्ट. हिज मदर वॉज सेइंग. उसकी मम्मी कहती है, अरे बाहर किसने अंडे दे दिए. हे स्टूपिड बर्ड, तुम्हारा नेस्ट कहाँ है. राजेश कुड नॉट टेक इट एनी मोर. ही स्टार्टेड क्राइंग. राजेश अब बिल्कुल सुनता नहीं है और रोना शुरू कर देता है. इट वॉज माई फॉल्ट माँ. द बर्ड वर नॉट स्टूपिड. वह कहता है, ये मेरी गलती है मम्मी, बर्ड स्टूपिड नहीं है. आई एम टू ब्लेम. मैं गलत हूँ. ही हिड हिज फेस इन हिज हैंड एंड केप्ट ऑन क्राइंग. वह अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोने लगता है. हिज मदर वेटेड एंड वॉच्ड हिम फॉर सम टाइम एंड देन हग्ड हिम. वह उसकी मम्मी उसको कुछ समय तक देखती है और उसे गले लगा लेती है.
डू नॉट क्राई राजेश, शी सैड इन अ जेंटल टोन. वो प्यार से बोलती है, मत रो राजेश, टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ. स्लोली राजेश टोल्ड द होल स्टोरी. हिज मदर देन सैड, यू कैन नॉट दे इंटरफेयर विथ मदर नेचर. डू नॉट वरी, द बर्ड विल कम, दे ऑलवेज कम, दे विल बिल्ड नेस्ट अगेन एंड दे विल रेज बेबीज अगेन. कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मदर नेचर में इंटरफेयर नहीं करना था. बर्ड फिर आएगी, फिर घोंसला बनाएगी और फिर उसमें से बेबी निकलेंगे. राजेश आस्क्ड, यू विल नॉट थ्रो देयर नेस्ट आउट. क्या तुम उसका घोंसला बाहर तो नहीं फेंकोगी? नो, आई विल नॉट, प्रॉमिस. उसकी मम्मी बोलती है, नहीं मैं नहीं फेंकूंगी. राजेश बोलता है, प्रॉमिस करो. राजेश की मम्मी उसे प्रॉमिस करती है. राजेश हग्ड हिज मदर टाइटली. थैंक यू माँ, थैंक यू सो सो मच. राजेश अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है और इस तरह उसकी मम्मी उसे चुप कर लेती है. ओके स्टूडेंट, बाय.